प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभातखबर.com। कोरोना संकट ने लोगों को न केवल शारीरिक तौर पर परेशान किया है, बल्कि लोग मानसिक बीमारियों का भी शिकार होने लगे हैं। दुनिया भर में चारों ओर मौत के मंजर और लॉकडाउन में घरों में कैद होने की वजह से लोग बेचैनी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंग्जाइटी और घबराहट जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बुजुर्ग और बच्चे इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कोरोना संक्रमित भी गंभीर मानसिक विकार का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये स्थिति क्यों आ रही है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में प्रभात खबर से बातचीत की डॉक्टर पवन अग्रवाल ने। सुनिए वो क्या कहते हैं। अगर इसकी उपाय की अगर बात करें कि वो अपने आप को कैसे ठीक रह पाएंगे, ऐसा क्या करें जिसके कारण से उनमें किसी तरह का निगेटिव साइकोलॉजी डेवलप नहीं करे, उसमें एंजाइटी नहीं हो, डिप्रेशन नहीं हो, स्ट्रेस नहीं हो, उसमें किसी तरह का सुसाइडल आइडिएशन नहीं हो, इरिटेशन नहीं हो। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपस के रिलेशनशिप को बेहतर करना है, यानी सारे लोग फैमिली में जितने भी लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, मेल, फीमेल, जितने भी लोग हैं, सब एक साथ रहें, आपस में एक साथ खाना खाएं, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, स्नैक हो, कुछ भी हो, एक साथ करें, और एक दूसरे के बीच अत्यधिक समय दें, एक दूसरे के बातें को सुने, बच्चों को ये समझाएं कि ये एक शॉर्ट टाइम के लिए है और ये कभी न कभी हम इससे उभरेंगे, ये एक महामारी है और इसके लिए बच्चों को जो शिक्षा देनी हो उसे दें, बच्चों को प्रोत्साहित करें, उसे उसकी बातें को सुने, उसको अत्यधिक समय दें, उसके साथ खेलें, उसकी भावनाओं को सुने, उसकी भावनाओं को कद्र करें और उसकी भावनाओं के हिसाब से उसे ट्रीट करें, ताकि बच्चे समझ जाए कि आज मुझे निराश नहीं होना है, बल्कि कोरोना से फाइट करते हुए पॉजिटिवली लेना है और हमारे दिमाग पर कभी भी इसका निगेटिव प्रभाव नहीं पड़े। जहां तक बुजुर्गों की सवाल है, तो जैसा मैंने बताया कि यदि हम लोग सारे लोग एक साथ खाते पीते हैं, तो इसके हम लोग के साथ बुजुर्ग भी साथ में हो, यानी घर के हर मेंबर साथ हो। पहले होता यह था कि हम किसी को समय नहीं दे पाते थे, आज इस कोरोना के महामारी में हम एक घर में एक साथ हैं और यही एक समय है जिसमें हम एक दूसरे को भरपूर समय दे सकते हैं। बुजुर्गों के बीच हम लोग बैठे, बुजुर्गों की बातें सुने, पहले तो हम बुजुर्ग की बात सुनते ही नहीं थे, बच्चों की बात सुनते ही नहीं थे, लेकिन यदि आज हम सुने बच्चों की बात, बुजुर्गों की बात अगर सुने, कहां तक बुजुर्गों की सवाल है तो उनकी जो अनुभव है उस अनुभव को अपने जीवन पर लाएं, बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी भावनाओं को कद्र करें, उन्हें अपने हाथ से टच भी कर सकते हैं, उन्हें एक प्यार दे सकते हैं, ताकि उन्हें लगे कि नहीं, मैं इस कोरोना की महामारी में हम अलग नहीं हैं, हम सब लोग एक साथ हैं, और उनकी भावनाओं को समझें, उनकी बातें को सुने, अपनी बातें को बताएं और एक साथ खाना पीना करें, रूटीन लाइफ को मेंटेन करें। अगर किसी को छत है तो वहां पर जाके थोड़ा वहां भी टहल सकते हैं, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलना है इस लॉकडाउन में। इस तरह से करके हम बहुत हद तक इस निगेटिव साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम एंजाइटी, डिप्रेशन और जो इरिटेशन है इसको दूर कर सकते हैं। और यदि इसके बाद भी किसी को इस तरह की प्रॉब्लम अगर आती है, तो नो डाउट इसमें एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। अगर इस डायरेक्ट नहीं मिल पाते हैं तो ऑनलाइन काउंसलिंग भी आजकल चल रही है, उसके द्वारा एक्सपर्ट से बात करके अपनी प्रॉब्लम को ठीक करें। आपको बता दें कि 13 मई से पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ वीक मनाया जाता है। इस बार का थीम काइंडनेस है, यानी कि दयालु होना या ख्याल रखना। इसका आशय है कि हमें वैसे लोगों का ख्याल रखना होगा, पीड़ित के मानसिक स्थिति को ध्यान में रखना होगा, उन्हें एहसास दिलाना होगा कि वे अकेले नहीं हैं, जल्दी ही चीजें सामान्य हो जाएंगी। बीते 2-3 महीनों में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ गई हैं।
हैरान करने वाली बात है कि आत्महत्या करने वाले ज्यादातर लोग या तो कोरोना के मरीज थे या कोरोना संदिग्ध। इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग किस हद तक कोरोना महामारी में मानसिक विकार का सामना कर रहे हैं। आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं से रूबरू करवाते हैं। दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित सेना के जवान ने आत्महत्या कर ली। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति ने अस्पताल की बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। राजस्थान के अजमेर में कोरोना संदिग्ध मरीज ने अस्पताल के बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। झारखंड के कोरोना संक्रमित युवक ने कानपुर CHC में सैनिटाइजर की शीशी पीकर आत्महत्या की कोशिश की। आत्महत्या करने वालों में केवल आम लोग नहीं है, अमेरिका में एक सीनियर डॉक्टर ने भी आत्महत्या कर ली। न्यूयॉर्क की रहने वाली डॉक्टर लोरना ब्रिन ने आत्महत्या की। कहा जा रहा है कि मरीजों का इलाज करते हुए वो अवसाद का शिकार हो गई थी। लेकिन इस समस्या से निपटा कैसे जाए, इस बारे में और भी विस्तार से बता रहे हैं रिनपास के मनोचिकित्सक डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा। बहुत ज्यादा समय तक अकेला रहना, बहुत ज्यादा समय तक अपने डिसिप्लिन का पालन न करना, बहुत ज्यादा समय एक कुछ नहीं करते हुए बिताना एक बहुत सारे ऐसे रीजंस में से एक है जहां लोग इस लॉकडाउन में अब अवसाद या एंजाइटी डिसऑर्डर जैसे समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने दिनचर्या को मेंटेन करके रखें, कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करते रहें, सकारात्मकता की ओर सोचें, नकारात्मक सोच को आने न दें। और ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बच जाएंगे, कहीं ना कहीं वो इस चीज से बच जाएंगे। लेकिन ये करने के बावजूद भी ये कहना आसान है, लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब कहीं ना कहीं सुसाइड कंटेम्प्लेट करने लगे हैं। उनको ये समय समझ में नहीं आ रहा, कोरोना हो जाने का भय है, आगे क्या होगा उसके हो जाने का भय है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम संक्रमण के खतरे का जो भय है उसको अपने अंदर ना पनपने दें। अगर वो ऐसा लग रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाएगी अगर आप उसको अपने अंदर पनपने देंगे तो। दूसरी बात जो सबसे प्रमुख है वो ये है कि जो अपने जीवन को अंत करने जैसे कि जो ख्याल है वो अवसाद ग्रसित लोगों में ही आएंगे और बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो उन लोगों से मेरा ये कहना है कि वो मनोचिकित्सक की सलाह ज़रूर लें और ज़रूर आगे आ करके इसके ट्रीटमेंट के लिए इसकी गुजारिश करें। इधर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी इस दिशा में पहल की है। CBSE और फिट इंडिया मूवमेंट साथ मिलकर छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेज चला रही हैं, जिसमें शारीरिक गतिविधि, योगा और मेडिटेशन के जरिए बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य मजबूत बनाने में मदद दी जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्रभातखबर.com के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।